छोटे आज मैं एक बहुत ही मस्त जगह पे गया था जो कि अपने वाइस्टोन में ही है, और वहाँ पे अंदर जाते ही मैं बंदर बन गया और जैसे ही बाहर आया वापस से इंसान बन गया। क्या तू भी वहाँ पे जाना चाहेगा और अपनी बंदर वाली शक्ल देखना चाहेगा? अगर तू बोले तो मैं तेरे को वो जगह के बारे में बता देता हूँ। अरे टिप्सन भाई, क्या बात कर रहे हो, बंदर बनाने के लिए मैं ही मिला था क्या? आप चाहो तो म्यूटेंट को भेज दो, वो हरदम उछलता रहता है, उसे आजकल बहुत बंदर वाली हरकतें सूझ रही है। आप चाहो तो उसे भेज दो, उसे बंदर बना दो, मुझे कोई बंदर बंदर बनने का शौक नहीं है। अरे यार छोटे, पर वहाँ पे म्यूटेंट कितनी बार जा चुका है, और सिर्फ म्यूटेंट ही नहीं अपना सुपर हीरो भी गया है वहाँ पे, और वो बंदर बनने के बाद वापस भी आया था और बिल्कुल पहले जैसा हो गया। तू क्यों नहीं जाता वहाँ पे, बहुत मजा आएगा, एक बार जाके तो देख। क्या बात कर रही हो टिप्सन भाई, अपना सुपर हीरो भी गया है वहाँ पे। जब सुपर हीरो गया है तो मैं क्यों नहीं जा सकता, मैं भी जाऊँगा वहाँ पे और बंदर बन के देखूंगा कि कैसा लगता है। मुझे भी बता दो वो जगह कहाँ पे है। देख भाई छोटे, उस जगह में जाने के लिए सबसे पहले अरीना बिल्डिंग के अंदर जाना पड़ेगा, और अरीना बिल्डिंग के अंदर जाते एक काला सा दरवाजा दिखेगा, उसमें तू चुपचाप घुस जाना। उसके बाद तू एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाएगा, उसके बाद देखना तू एक बंदर बन चुका होगा और तुझे काफी ज्यादा मजा आएगा वहाँ पे। तो दोस्तों जैसे कि हमें टिप्सन भाई ने कहा है कि वाइस्टर्न में कैसी कमाल की जगह मिली है जहाँ पे अंदर जाते हैं हम बंदर बन जाएंगे, तो गाइस एक बार हम लोग वहाँ पे चल के देखते हैं। मुझे नहीं लगता वाइस्टर्न में ऐसी कोई जगह होगी, पर टिप्सन ने भाई ने कहा है तो झूठ थोड़े ही बोलेंगे, या फिर हो सकता है कि शायद वो हमसे मजाक कर रहे हैं। तो गाइस कोई बात नहीं, एक बार हम लोग वहाँ पे जाके देख ही लेते हैं कि भाई सच में अपने वाइस्टर्न में ऐसी कोई जगह है या फिर नहीं। तो ये लीजिए दोस्तों, हम लोग बातों ही बातों में अरीना बिल्डिंग के काफी ज्यादा नजदीक आ गए हैं। अब हमें अंदर जाके काला दरवाजा को ढूंढना होगा, और गाइस यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा ढूंढने में उस काले दरवाजे को, क्योंकि यहाँ पे सामने कुछ दिख नहीं रहा। ओ भाई ये क्या है गाइस, ये देखो हमें तुरंत ही काला दरवाजा मिल गया। अब हमें इसे कर देना है स्टार्ट, और स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो हम यहाँ पे थोड़ा देर रुक जाएंगे, उसके बाद देखते क्या होता है, क्या हमारा रूफीरो सचमुच बंदर बन पाएगा या फिर नहीं। अरे भाई ये क्या हो गया दोस्तों, ये देखो हमारा रूफीरो कैसा दिख रहा है, बिल्कुल ही बंदर जैसा बन चुका है। और भाई ये क्या कर रहा है हमारा रूफीरो, देखो दोस्तों बंदर बनते ही बंदर वाले सारे गुण आ गए, ये कैसे इतनी तेजी से उछल रहा है। दोस्तों यहाँ पे रूफीरो को बंदर बनाए काफी ज्यादा मजा आ रहा है, आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर से बताना। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद एक नोटिफिकेशन बेल आएगी उसे दबा के ऑल पे सेट कर लेना, ताकि आपको रूफीरो वाइस्टर्न के ऐसे ऐसे मजेदार वीडियोस मिलती रहे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।